हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी बस यहाँ पे बन रहा है खाना और मैं बना रही हूँ स्माइली। तो वो दाल मैंने पकने के लिए रख दी है उड़द चने की, तो वो यहाँ पर पक रही है। तो इसमें दो तीन विसल आ गई थी, मैंने चेक किया तो अभी तक हुई नहीं है दाल। तो अभी उसको मैंने फिर से रख दिया, एक आध सीटी और आ जाए फिर इसको बंद कर दूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्माइली, पटेटो स्माइली। तो यहाँ पे आलूओं को ग्रेट कर लिया है और ये लिए हैं ब्रेड क्रम्स। सो गाइस, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें मिला करके इसको रख दिया था मैंने फ्रीजर में आधे घंटे के लिए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो बस अभी बारी आ गई है डोनट, सॉरी, स्माइलीज बनाने की। तो बस अभी स्माइलीज बना लेती हूँ उसको अच्छे से बेल करके। सो गाइस, यहाँ पर ये सारी स्माइलीज बनकर रेडी हो गए हैं, तो अभी कुछ स्माइलीज में फ्राई कर देती हूँ। और कुछ रख दूंगी। तो गाइस, अभी यहाँ पर शाम के खाने में बना रहे हैं हम लोग मटर पनीर। यहाँ पर मम्मी मटर पनीर छोक दिया, मेरे मटर मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। और खीर बन चुकी है, तो आज के खाने में यही रहेगा हमारा। तो गाइस, मैं एक चीज़ लेकर के आई हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी सी चीज़, और ये मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। तो ये है मैजिक पॉप। और मतलब जब इसको खाते हैं ना, तो फ्लेवर तो ऑरेंज है, लेकिन मुँह के अंदर से ऐसे पटाखों जैसी आवाज़ आती है। क्या हो गया? पटाखों जैसी आवाज़ आती है, हल्के हल्के से ऐसे क्रैक होते हैं। तो अभी मैं सबको खिलाती हूँ और देखती हूँ सबका रिएक्शन क्या होता है। ये इसको चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे है ये, तो इनको देती हूँ मैं पहले पहले इनका रिएक्शन देखते कि क्या होता है। तभी तो फील होगा। पटाखे जैसा फील हो रहा है अंदर। और ये कुछ इस तरह बहुत तेज हो रहा है क्या? नहीं नहीं, चटरपटा चटर। चलो मम्मी के पास चलते हैं। चलो अभी हो रहा है इनको खिलाकर देखते हैं। वो बाइट बाइट वाले हो रहे हैं, चटरपटा पीला वाला नहीं होता। मेरे हाथ में भी हो रहा है ज्यादा, थोड़ा सा ऐसा पसीना ऐसा दिख रहा है। हाँ। जो भी है ना पानी, लो लो चीज, फुल चीज चीज। हो रहे हैं इतने जोर जोर से इसके मुंह में। तुम खाना यार। ट्यूस ना काफी बार मैं
नहीं खाओ पेपरमेंट तो कुछ नहीं है। क्या हो रहा है अंदर? कान बज रहे हैं। अरे मम्मी मेरी गा रही है। खाओ तो। अरे नहीं नहीं मैं जी के बच्चों की है बताओ। खाओ। तो आवाज आ रही है। पापा के कान में रहे तो अंदर आवाज आ रही है। जोर जोर से फूट रहा है ना। इतनी सारी क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर वक्त ना पटाखे फूट रहे हैं लग रहा है। रु? रु? रु खाना चाह। ये चीज हम ही महसूस कर सकते हैं। जो फूट रहे हैं आवाज आ रही है। मम्मी को तो आ रही है आवाज। सो गाइस मैंने अभी ये कट्टा खोला है। इसमें से मैंने मुझे निकालने हैं अनस्टिच सूट क्योंकि मुझे सिलवाने के लिए डालने हैं। अब तो बस यहाँ पे मैंने खोल लिया है अपना पिटारा। तो ये है मेरा वो सूट जो कि बहुत दिन का रखा हुआ है और ये मुझे तरन्नुम खाला ने दिया था। तो ऐसा सिलवाने का मौका नहीं मिला क्योंकि पहले मैं रेडीमेड पहनती थी ज़्यादा और कलाबोरेशन वगैरह के भी आते रहते थे सूट वगैरह। तो ऐसा मौका नहीं मिला तो इसलिए अब सोच रही हूँ कि अभी इसको सिलवा लेती हूँ। तो ये कॉटन का सूट है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा रहता है। ये कौन ने दिया था? ये तरन्नुम खाला ने दिया था मेरे को मेरी शादी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी पहाड़गढ़ तब। और बहुत सी कुर्तियाँ मेरी ऐसी हैं जो कि अभी तक ऐसी ही रखी है, मैंने कभी डाली भी नहीं है। तुझे भी कहीं डाली तुमने? ये ऐसी है ना इसलिए नहीं डाली। ये स्लीव है, इसके ऊपर जैकेट पहननी पड़ेगी तब जाके अच्छी लगेगी। स्लीव नहीं लग सकती? देखो ये ऐसी है बंधने वाली यहाँ से, तो इसलिए जो है ये नहीं पहन सकती मैं। ये बीच पे जाके भी नहीं पहन सकती। और मेरा देखो ये लहंगा रखा है बनारसी लहंगा, ये भी बहुत टाइम का रखा हुआ है, अभी तक मैंने नहीं सिलवाया। ये बनारसी लहंगा, ये इसकी चोली और ये दुपट्टा, ये भी रखा हुआ है बहुत टाइम का, लेकिन बस ऐसे ही सूट पड़े हुए हैं और कुछ नहीं। और देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कौन सा काट लिया? नुकसान दिखा रही हूँ मैं, मेरा कम से कम इन्होंने 3000 रुपये का नुकसान किया है चूहों ने। दिखा रही हूँ मैं कहाँ से फटा है, ये देखो तो प्यारा शरारा सूट था ये इन्होंने पूरा फाड़ दिया। ये फिर नेट ऐसी मिलेगी नहीं कि मिल जाएगी? हाँ रिपेयर हो जाएगा ये पूरी नेट, दूसरी लगानी पड़ेगी लेजर जिस पर से निकल जाएगी तो वो कर देगा वो, दोबारा से दिलवाना पड़ेगा पूरा। अब तो दिखा, ये देखो पूरा हाथ निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है। और ये एक जगह से नहीं कटा है, ये बहुत जगह से कटा। ये मुजस्मा बनाया है हमारे घर के चूहों ने, बहुत बेचारों ने बहुत मेहनत करी है। ये देखो हर जगह से कटा है, इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था। मैं स्टिच कराने की भी सोच रही थी इसको लेकिन मौका नहीं मिला कभी। तो ये था पूरा सेट ऐसे। इसकी टॉप है ऊपर की और ये था शरारा, इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये कैसे करवाऊंगी अब मैं? ये नहीं हो सकता। और तो प्यारा दुपट्टा था देखो, कहाँ से काटा है। तो इतना बड़ा नुकसान मेरा कर दिया है चूहों ने, कर दिया है चूहों ने। कम से कम 3500 रुपये की ड्रेस थी
लेकिन अब पूरा दुपट्टा, पूरा प्लाजो इसका सब खराब हो गया, सिर्फ कुर्ता अकेला बचा है, वो भी पता नहीं कैसे बच गया, वरना ये भी फट गया था, क्योंकि ये तो मोटा था और ये ना मिरर वर्क है, प्लास्टिक मिरर वर्क लाइट चलेगी तो दूर से कितना शाइन करेगा। कुर्ता तो सही है, कुर्ता तो सही है, चलो नहीं कुर्ता भी लेना पड़ता है, सिलवा लो बस, बाकी का हटा लो, बस लेस वेस निकालने से कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो कल के मैंने कुछ कमेंट्स देखे, तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि यहाँ तक जब शेयर किया है तो फिर आगे क्यों, अब मना कर दिया आपके हस्बैंड ने, अब क्यों नहीं बता पा रही हो, बहुत सी चीज़ें। तो देखो, जब इंसान से गलती हो जाती है ना, तब उसका पछतावा उसको जो है बाद में होता है। पहले हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने खुद ने जो है मेरे साथ मिल करके उस चीज़ को शेयर किया था, जब प्रेग्नेंट हुई थी मैं उस टाइम पे। तो अब क्या रीज़न है कि वो अब आगे जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ में, मैं तो ये कहूँगी कि भाई जो भी मेरे साथ में हुआ है वो किसी भी औरत के साथ में ना हो, और हमेशा अपने बड़ों की बात अगर सुनोगे ना तो आपके साथ में हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन अभी हम ऐसा है ना कि हम सिर्फ अपने अपने चलाते हैं, बड़ों का ऐसा सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मालूम जब चलता है, जब आपके साथ में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारी मैंने बातें भी सुनी है उसके बाद जो हुआ है मेरे साथ। तो क्योंकि गलती मैं मानती हूँ अपनी, मेरी गलती है जो भी मैंने किया है, मैंने बड़ों की बात नहीं सुनी है, मैंने बहुत सी चीज़ों में अपनी अपनी चलाई है, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मैं तो ये अगर किसी भी माँ के साथ में ऐसा ना हो, हमेशा अपने बड़ों की सुनना और हमेशा खुश रहोगे ऐसे अगर बड़ों की बात सुनोगे तो। तो बात ये है कि हस्बैंड अब आगे जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ में, क्या कैसे कुछ हुआ है, मैं प्रेग्नेंट थी भी या नहीं भी थी, वो सारी चीज़ें जो है अब हस्बैंड बताने को क्यों मना कर रहे हैं, वो उनका मैटर है। पहली बात तो देखो, इंसान कुछ गलती करके ही सीखता है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी, आप इतने ज़्यादा अटैच हो हमसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यूट्यूब पे होते हैं तो हमें एक सारी चीज़ें जो है शेयर करनी पड़ती हैं, अपना खुशी भी, अपना गम भी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, चलो ठीक है अब तो शेयर कर देते हैं जब है तो। तो उस टाइम पे जो है मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था, है ना, तो उस टाइम पे हम दोनों ने मिलकर के जो है शेयर कर दिया था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बीच में भी अपडेट देती रही थी, है ना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी। तो अब ऐसा है कि जो भी हुआ है ना, तो अब उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए जो है अब हस्बैंड ने डिसीज़न लिया है कि अब से जो है हम अपनी कुछ चीज़ें, मतलब अपने पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें जो है शेयर नहीं करेंगे यूट्यूब पर, क्योंकि देखो नज़र लग जाती है, ऐसा बोलते हैं, और ऐसा हमारे बड़े घर के भी बोलते हैं। तो घर के बड़े भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी वाली जो न्यूज़ होती है ना, वो इतनी जल्दी से शेयर नहीं करना चाहिए, 3 या 4 महीने तक तो रुकना ही चाहिए। मैंने जब हुरैन जब पेट में थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने 7-8 महीने के बाद आपको शेयर किया था, जब आप लोगों को लगने लगा था कि हाँ मैं प्रेगनेंट हूँ। तो अभी इस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, और ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी। कहते हैं ना कि 3-4 महीने में अगर शेयर करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, तब चीज़ें बतानी चाहिए। और जब हमारी चीज़ें कुछ हुई नहीं है और उसके बाद जो है हम पहले से ही शेयर कर रहे हैं, तो लगता है, नज़र लग जाती है, सब बोलते हैं बड़े लोग। तो इस चीज़ को लेकर के हमने, मतलब अब हमें थोड़ी सी सीख मिली है इस चीज़ से कि अब से जो है हम लोग ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, मतलब गुड न्यूज़ वगैरह जो भी। अब जो है डिसीजन बस यही लिया है हस्बैंड ने कि अब जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी बातें शेयर नहीं करेंगे। ये बीच बीच में मुझे परेशान कर रही है, मुझे बातें नहीं करने दे रही है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी उड़न वहाँ चली गई तो अभी थोड़ा सा मैं शांति से आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो बस यही रीज़न है और कुछ नहीं है, और जो भी कुछ हुआ है आप लोगों को
वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ था क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें, तो आप लोग पिछली वीडियोस देख ले, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ देखो, मैं हुरैन के लिए लाई थी पराठा, और ये लड़की का पूरा पराठा रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने वही स्माइलीज़ वगैरह बनाई थी, तो इसने वो भी नहीं खाई, तो ये मैंने फिनिश करी और ये यहाँ पर है, तो ये लगवा रही है अपने पापा से। सब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दो में ज़रूर याद रखना मुझे और मेरी फैमिली को। बाय बाय।